हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ कि मोबाइल की बैटरी बैकअप लाइफ को कैसे बढ़ाएं और मोबाइल की बैटरी बैकअप कैसे इंक्रीज करें। ठीक है, आजकल हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी हमारी बैटरी बैकअप समय के अनुसार बैटरी कम होती रहती है। ऐसे में हम सोचते हैं क्या हो रहा है, हमारा बैटरी बैकअप और डेटा इतनी जल्दी खर्च कैसे हो जाता है, बैटरी इतनी जल्दी डाउन कैसे होता है, बैटरी नेट जल्दी हमारा डेटा, हमने 2 GB डेटा आता था इतनी जल्दी हमारा डेटा यूज़ हो गया, क्या ऐसा क्या हमारी जो एप्लीकेशन जो रन करती रहती हैं रन करती रहती हैं, इसलिए हमारा जो डेटा है वो जल्दी यूज़ हो जाता है और हमें पता नहीं चलता हमारा डेटा कहाँ गया। ठीक है, इसलिए मैं लेके आऊँ आपके लिए 4 तरीका ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग जिससे आप अपनी मोबाइल की बैटरी लाइफ को भी बढ़ा सकते हो और बैटरी लेवल को इंक्रीज कर सकते हो और बैटरी जो डेटा है उसको बचत कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फर्स्ट सेकेंड होती है रेस्ट्रिक्टिव बैकग्राउंड डेटा। रेस्ट्रिक्टिव बैकग्राउंड डेटा क्या होता है, ये चलते हैं, आप पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में क्लिक करके आपको लिखना है नेटवर्क इंटरनेट, यहाँ लिखा है डेटा यूजेस, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको जाना है डेटा यूजेस, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर ये लिखा है एप्स डेटा यूज़, हर हर मोबाइल में अलग अलग हो सकता है, आपको डेटा यूज हो सकता है आपके मोबाइल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस पर क्लिक करना है, ये नोटिफिकेशन एप्लीकेशन आ गई इस तरीके की, जैसे कि मैं मानूँ जैसे मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करना तो बैकग्राउंड डेटा जैसे ये खुला हुआ है तो इसे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं बैकग्राउंड डेटा को। ठीक है, बैक चलते हैं, इसी तरीका से आप किसी का भी बंद कर सकते हैं, इसका बंद करना चाहता हूँ, ये बंद है, अगर ऐसे तरीका से खुला हो तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ कर सकते हैं। ओके, इसी तरीका से आप सभी का रिस्ट्रिक्टिव बैकग्राउंड डेटा बंद कर सकते हैं जो खुला हुआ हो। ठीक है, जैसे यूट्यूब का बंद है, इसको भी ऑफ कर सकते हैं, जो आप यूज नहीं करना चाहते उसका टर्न ऑफ कर सकते हैं, जैसे इसके बंद है, ठीक है, टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीका से आप इस सेटिंग करके आपकी जो बैटरी बैकअप है वो इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी सेटिंग है, ठीक है, बैक चलते हैं, दूसरी सेटिंग है ऑटो अपडेट ऐप्स। ऑटो अपडेट ऐप्स क्या होता है, ये ऐसे ऐप्स होते हैं जैसे टाइम समय समय पर हमारे जो ऐप्स हैं वो खुद ही अपडेट होते रहते हैं और बैकग्राउंड चलते रहते हैं, इसकी वजह से हमारी बैटरी भी ये बैटरी भी खपत होती है और हमारा डेटा भी यूज़ होता रहता है और हमारा डेटा भी खाते रहते हैं। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, आप इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में 3 लाइन उस पर 3 डॉट पर क्लिक करना, 3 डॉट पर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक करना है, सेटिंग क्लिक करने के बाद आपको एक लिखा हुआ होगा ऑटो अपडेट्स ऐप। ऑटो अपडेट्स ऐप्स का मतलब होता है ये खुद ही ऑटोमेटिक ही ऐप्स को अपडेट करता रहता है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे और मेरा लगा हुआ है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, आप यहाँ क्लिक करके डन कर देंगे। ठीक है, आपको फ्रेंड्स ये 2 सेटिंग समझ में आ गई हो। तीसरी सेटिंग है लोकेशन और GPRS। लोकेशन अगर हमारी खुली रहती है तो क्या होता है, जैसे मेरी लोकेशन खुली हुई है, ये है लोकेशन, लोकेशन ये है लोकेशन, इस तरह अगर मेरी लोकेशन खुली है तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो मेरी लोकेशन को ट्रैक करती रहेगी और मेरा डेटा यूज़ करती रहती है, इससे क्या होता है मेरी मेरा जो डेटा है वो भी यूज़ करती रहती है और मेरी जो बैटरी है वो खपत होती रहती है। इससे बचाने के लिए आपको इस लोकेशन को टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ कर दें क्योंकि अनावश्यक इसे उपयोग ना करें, जब आप यूज कर रहे हैं तभी यूज करें। और चौथे क्या होते हैं, आपको ब्राइटनेस अपनी कम रखनी चाहिए, जब रात के समय हो तो आप बिल्कुल 0 पकड़ सकते हैं और दिन में तो आपको 100 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या होगा आपकी बैटरी लेवल इंक्रीज बढ़ जाएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिली रही है ऐसी एपिसोड में, मैं लाता रहूँगा आपको नए एजुकेशन यूनिक एजुकेशन वीडियो। थैंक यू फ्रेंड, गुड बाय।